डर के आगे और एक डर आता है ना, तो एक अजीब सा खौफनाक माहौल बन जाता है। डर भी लगता है, देखना भी रहता है कि क्या हुआ है क्या हुआ है। मेरे पास तो बहुत किस्से हैं, रियल किस्से हैं। मेरे जो मैं एरिया में रहती थी, वहाँ पर कटे सर वाला भूत, जला हुआ भूत और खेतों को तबाह करने वाला भूत, आपको बिस्तर पे अगर रात को सो रहे हो तो लात मारकर उठाने वाला भूत, इतने कितने सारे भूत हैं। ये सच्ची बात है दोस्तों, सच्ची में मैंने रियल में देखा है, मैंने देखा है, सच में मैंने देखा है। मैंने क्या, वहाँ पर जितने भी सारे लोग रहते थे सब लोगों ने वहाँ पर देखा है दोस्तों। बहुत सारे भूत थे घर में, ऐसे ही चलते फिरते रात को नजर आते थे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, सुनो तो सही। साइलेंट मूवी। क्या क्या इसने कुछ किया ना, किया किया ना? मैंने बोला था ना ये बहुत नौटंकी करते हैं, देखो कैसे भोले बनकर बैठे हैं। दोस्तों वैसे आज मैं आपको बता दूं, ये छठा दिन है इन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। कम बोल रहे हैं, सच्ची बात है ये दोस्तों। परमेश्वर सबसे बड़ा है, लेकिन आत्मी जगत में बुरी और अच्छी आत्मा भी है। कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो बुरी आत्माएं होती हैं, वो लोगों पर अपना भय डालना चाहती हैं। लेकिन परमेश्वर सबसे महान है। अगर आपको कभी बुरी आत्मा का सामना करना पड़े तो आप परमेश्वर का नाम लीजिए, उसको अपनी जंग लड़ने दीजिए, उसी के नाम से आपका छुटकारा हो सकता है दोस्तों। परमेश्वर का नाम अगर आप मेरे से पूछो तो वो नाम जो है वो है दोस्तों। परमेश्वर सबसे महान है, वही एकमात्र ऐसा सहारा है जो हमें बचा सकता है। तो दोस्तों मेरा नाम अमन है, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम सुनील है। आपका हमारे YouTube चैनल 5050 ब्लॉग्स में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो उस समय का है जब मैं पंजाब में थी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जिस एरिया में मैं रहती थी वो एरिया बहुत हॉरर माना जाता था। अभी तो किस्सा स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखिए होता क्या है, आपकी जान हथेली पर आ जाएगी। परमेश्वर का नाम लोगे तो सब अच्छा होगा। लेकिन मैंने एक माहौल क्रिएट किया है दोस्तों रात के समय में। मेरी बचपन से आदत है ये कि रात के समय में हॉरर हॉरर कहानियाँ सुनना, हॉरर हॉरर सीरियल देखना मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। डर के आगे और एक डर आता है ना, तो एक अजीब सा खौफनाक माहौल बन जाता है। डर भी लगता है, देखना भी रहता है कि क्या हुआ है क्या हुआ है। मेरे पास तो बहुत किस्से हैं, रियल किस्से हैं। मेरे जो मैं एरिया में रहती थी, वहाँ पर कटे सर वाला भूत, जला हुआ भूत और खेतों को तबाह करने वाला भूत, आपको बिस्तर पे अगर रात को सो रहे हो तो लात मारकर उठाने वाला भूत, इतने कितने सारे भूत हैं। ये सच्ची बात है दोस्तों, सच्ची में मैंने रियल में देखा है, मैंने देखा है, सच में मैंने देखा है। मैंने क्या, वहाँ पर जितने भी सारे लोग रहते थे सब लोगों ने वहाँ पर देखा है दोस्तों। ये सच्चे किस्से मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों।
दोस्तों, ये जो किस्सा सुना रही हूँ मेरी लाइफ का सच्चा किस्सा है। खैर, मैंने जितने भी अभी तक आपको किस्से बताए हैं वो सच्चे ही किस्से आपके साथ शेयर किए हैं दोस्तों। लेकिन पहली बार ऐसा माहौल क्रिएट किया है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सुनाने में। मुझे लगता है आपको भी सुनने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप डरते नहीं हो और इन हॉरर किस्सों में इंटरेस्ट रखते हो दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे और किस्से भी सुनने हैं। मेरे पास तो बहुत 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 ज़्यादा किस्से हैं दोस्तों, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको ये किस्से और ज़्यादा जानने हैं दोस्तों। अभी हम किस्सा जो मैं आज सुनाने जा रही हूँ वो आपको बताती हूँ दोस्तों। जिस एरिया में मैं रहती थी वो एरिया बहुत हॉरर माना जाता था दोस्तों। वहाँ पर लोग रात को बहुत कम बाहर निकलते थे और हमारे जो घर के बाजू में ही खेत था दोस्तों, खेत के बाजू में ही एक कुआं लगता था। वहाँ पर बोलते थे लोग के बहुत सारी बुरी आत्माएं रहती हैं। वहाँ पर एक फैमिली भी रहती थी, वो फैमिली अपना घर छोड़कर वहाँ से चली गई थी दोस्तों। वो क्यों गई मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही सुना है कि बुरी आत्माओं की वजह से उन लोगों के परिवार की हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अच्छा खासा भरपूर खेत था वहाँ पर दोस्तों, लेकिन उन्होंने क्या किया, बुरी आत्माओं की वजह से, जो मैंने सुना है वही बोल रही हूँ, उनको घर छोड़ना पड़ा दोस्तों। कुएं के आजू बाजू में एक नहीं बहुत सारी भूतें रहती थी, ऐसा सुना जा ऐसा मैंने सुना था दोस्तों उस टाइम पर। तो क्या हुआ, लोग रात को बहुत कम बाहर निकलते थे और कुएं के पास तो जाना, बाप रे बाप, बहुत हॉरर माना जाता था। कोई ही मुझे लगता है कुएं के पास जाता होगा, नहीं तो कोई नहीं जाता था दोस्तों। जो हमारा एरिया था जहाँ पर मेरा घर था, थोड़ा खाली था दोस्तों। तो किसी का खाली घर था वहाँ पर, खाली घर मतलब घर नहीं बना था, प्लॉट था वहाँ पर दोस्तों। तो एक आदमी ने क्या किया दोस्तों, वहाँ पर जो सूखी घास रहती है ना, सूखी घास को अपना झोपड़ी बना दी उसने, और झोपड़ी में वो रहने लग गया, सूखी घास की झोपड़ी में वो रहने लग गया। और उसने ईंटों का चूल्हा बनाया दोस्तों, कि अपना खाना वो ईंटों के चूल्हों पर आकर बनाता था और वो खाता था। वो क्या करता था, पूरा दिन मजदूरी करता था और रात को मटन या चिकन बनाता था, खूब अपना पीता था और सो जाता था। उसकी डेली लाइफ यही थी दोस्तों। उसके आजू बाजू फैमिली के बारे में कभी किसी को नहीं पता कि वो कौन था, कहाँ से आया था, उसकी फैमिली कौन है, किसी को नहीं मालूम था दोस्तों। तो एक दिन उस झोपड़ी के बाजू में एक किसी बंदे का घर था, वो बंदा हमारे घर पर आया, मेरे चाचा के घर पर आया और जोर जोर से वो दरवाज़ा खटखटाने लग गया। तो मेरे चाचा ने पूछा, क्या हुआ, आप इतनी रात को घर पर आए हो? तो उस बंदे ने मेरे अंकल को बोला कि वो झोपड़ी में आदमी रहता है ना, उसकी झोपड़ी में आग लग गई है, तो चलो हम लोग उसको बचाते हैं। तो मेरे चाचा ने फट से क्या किया, दो चार आजू बाजू जितने भी घर थे, रात का टाइम था, उनको फटाफट जगाया, क्योंकि आग इतनी भयंकर लग गई थी दोस्तों कि एक दो बंदों का काम नहीं था वो आग बुझा पाए। अब सूखी घास में आपको पता है कि कैसे फट से आग पकड़ेगी दोस्तों। तो अंकल ने दो चार आदमियों को और साथ लिया, फटाफट जो अंकल हमारे घर पर आए थे उनका घर नज़दीक पड़ता था, तो उनके घर से पानी लिया सब लोगों ने और झोपड़ी पर डालना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग तो क्या कर रहे थे, सूखी मिट्टी उठा उठा कर हाथों से ऐसे ऐसे वो झोपड़ी पर डाल रहे थे, और उस बंदे को बहुत आवाज़ें थी, सब लोग चिल्ला रहे थे, भाई बाहर आ जा, आग लग गई है तो बाहर निकल। शायद उस बंदे ने इतना ज़्यादा नशा किया हुआ था कि वो बाहर आने की हालत में ही नहीं था दोस्तों। वो बंदा बुरी तरह से जल गया, और जब आग ख़त्म हुई, आग बुझी दोस्तों, उस बंदे को देखा गया तो बंदा ऑन द स्पॉट मरा हुआ था, एकदम डेड लाश थी। अब उस लाश का क्या किया इतना तो मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, लेकिन सब लोगों के मन में एक खौफ जाग गया। अब ये बंदा जलकर मर गया है दोस्तों, और सब लोगों में ये बातें चल रही थी कि ये बंदा भूत बन गया है, क्योंकि ये जिंदा जिंदा जला है दोस्तों। ये लोगों में बात फैल गई थी कि पक्का भूत बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ, गर्मियों के दिन थे, लाइट बहुत ज़्यादा हमारे उधर जाती थी, बहुत लंबे लंबे कट जाते थे। तो अंकल ने क्या किया, मेरे जो चाचा थे उन्होंने
चार या 4:30 बजे का टाइम होगा सुबह का, लेकिन बहुत अंधेरा था। तो अंकल ने क्या किया, गली में जाकर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। झाड़ू लगाते लगाते उन्होंने पानी डाल दिया कि थोड़ा ठंडा लगेगा तो मैं चारपाई डालकर उधर ही सो जाऊंगा। जैसे अंकल गली में झाड़ू लगा रहे थे, चारपाई डालने के लिए पानी छिड़क रहे थे, तो वही एक अंकल जिन्होंने रात को हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया था, वो कुएं के पास से कहीं बाहर से आ रहे होंगे। उन्होंने देखा कि कोई आदमी, उनको ये तो अंधेरा था, दिखा नहीं कि वो मेरे चाचा हैं जो पानी डाल रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि कोई शैडो जैसा, काला सा कुछ शैडो है जो गली में झाड़ू लगा रहा है, पानी छिड़क रहा है। उनको लगा कि ये जला हुआ भूत है। तो उन्होंने वो कुएं के बाजू में खड़े थे दोस्तों, एक तो कुएं के बाजू में खड़े हैं, दूसरा उनको दूर से एक काला शैडो दिख रहा है। तो वो जो अंकल थे कुएं के बाजू में खड़े थे, उनके तो सांस ऊपर नीचे हो गए, उनकी तो जान हथेली पर आ गई थी दोस्तों। वो काफ़ी टाइम उधर ही रुके रहे। फाइनली जब मेरे चाचा गली में पानी डालकर अंदर आए चारपाई लेने के लिए, चाचा ने चारपाई बाहर डाली, तो फट से वो अंकल आए। तो वो अंकल जो दूर खड़े थे, वो अंकल मेरे चाचा के पास आए। उन्होंने मेरे चाचा को बोला, क्या तुम ही गली में झाड़ू लगा रहे थे? तो मेरे चाचा ने बोला, हाँ मैं ही लगा रहा था। क्यों, क्या हुआ? तो अंकल बोले, बाप रे बाबा, आज तो मेरी जान जाते जाते बच गई है। आज तो मुझे लग रहा था कि मैं गया, मुझे लगा वो जला हुआ भूत मैंने देख लिया है। तो मेरे चाचा हंस पड़े, बोले, नहीं वो मैं ही था, गर्मी इतनी है आपको पता है, तो मैंने सोचा कि लाइट गई हुई है भाई, तो मैं इधर चारपाई डाल के सो जाता हूँ। तो मतलब कहानी में भूत नहीं था? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, सुनो तो सही। था कि नहीं? टिकट ली है तो पिक्चर पूरी देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी? तो दोस्तों वो अंकल तो चले गए। अब मैं मेरे भाई के साथ अलग रूम में सोती थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मैं रूम में जल्दी सोने चली गई और मेरा भाई रेसलिंग देखने के लिए मेरे चाचा के दोस्त के घर पर चला गया रात को, क्योंकि मेरे इधर लाइट बहुत जाती थी और चाचा के दोस्त के घर में लाइट थी, तो मेरा भाई उधर चला गया। अब मैं रात को सो रही हूँ। दोस्तों एक दिन क्या हुआ, मैं सो रही थी और एक बुरा शैडो जिसकी आंखें एकदम काली और सिर्फ दांत दिख रहे थे और जला हुआ फेस था, वो मेरे चेहरे के ऊपर आया और आकर कर रहा है। तो डर गया यार, मजाक करी। तो दोस्तों मेरे को तो करते भी पसीनों फूट रहे हैं। मैंने पहले तो मुझे लगा कि मेरा भाई है, मैंने उसको बोला हट। तो बाद में मैंने बोला, सनी का फेस कैसे जला हुआ हो सकता है? सनी मतलब मेरा भाई। मैंने बोला, उसका फेस ऐसे कैसे जला हुआ हो सकता है और उसकी आंखें कैसे अंदर हो सकती है? तो मुझे समझ आया, अरे बाप रे, ये तो जला हुआ भूत था जिसको मैंने देख लिया। अरे बाप रे, मैंने ये क्या कर दिया, क्या देख लिया मैंने? तो मैं तो गोली की तरह भागी, बाजू में मेरे चाचा चाची सो रहे थे, उनके पास जाकर सो गई। सच में तो भाई को छोड़ दिया वहां पे मरने के लिए? नहीं, भाई तो रेसलिंग देखने गया था ना, चाचा का जो दोस्त था उनके घर पर रेसलिंग देखने गया था। और ये टाइम भी जो था रात के 3 बजे के आसपास का टाइम था। मैं पूरी रात नहीं सोई, मैं चुपचाप चाचा चाची के बाजू में लेट तो गई क्योंकि वो लोग सो रहे थे, मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनकी नींद खराब करूं दोस्तों, लेकिन मैं पूरी रात डर के मारे नहीं सो पाई। मैंने नेक्स्ट डे सुबह ही सबको बताया कि मैंने वो भूत देखा है। तो मेरे चाचा ने बोला, मुझे पता है, मैंने भी कई बार उसको देखा है, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता था कि तुम लोग छोटे हो, डर जाओगे। मतलब उनके साथ क्या करता था? हमारे घर में मतलब मेरे एरिया में
बहुत सारे भूत थे, घर में ऐसे ही चलते फिरते रात को नजर आते थे। वो भूत ने, जो जला हुआ भूत था, उसने तो मुझे मतलब आकर डराया है। मैंने जो कटी मुंडी वाला देखा था, जिसकी मुंडी नहीं थी भूत की, वो मेरे घर में, मेरे जो आंगन है, आंगन के बीच में मैंने चलता हुआ देखा था, ऐसा था। और जो लात मारने वाला भूत था, वो लात मारने वाला भूत ऐसा था, हमारे घर में एक स्पेशल ऐसा रूम है कि उसमें कोई भी बाहर का बंदा आता है, कोई भी मतलब कोई भी मेरा रिश्तेदार आता है, वो उस रूम में नहीं सो सकता है। अगर कोई उस रूम में सो गया तो उसको वो लात मारकर नीचे फेंक देता था, ऐसा एक भूत था। और मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, मैंने आपको बताया ये वीडियो में कि खेत था, तो खेत में मेरे दादाजी ने रात को देखा था कि दो, एक आदमी और एक औरत, शैडो दिखता था उनका, काला सा शैडो, वो खेत के अंदर भाग रहे हैं। जहाँ जहाँ वो भाग रहे हैं ना, वहाँ वहाँ पूरी फसलें तहस नहस हो रही हैं। लेकिन सुबह ही अगर आप वो खेत को देखोगे तो वो फसलें तहस नहस नहीं थी, वैसी की वैसी ही खड़ी थी। लेकिन ये सच्चा किस्सा है जो उन्होंने देखा था। मुझे लगता है अभी किससे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। आप कुछ बोलिए, मैं कब से बोल रही हूँ, क्या बोलना चाहोगे? इस एपिसोड का अंत करते हैं। क्यों, डर लगा? ये खत्म नहीं होगा, लेट्स दी एंड दिस एपिसोड। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉक का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। खौफनाक काला साया आत्मिक जगत का पृथ्वी पर घूम रहा है, खौफनाक काला साया आत्मिक जगत का पृथ्वी पर घूम रहा है। मानने वाले तो बहुत हैं, ना मानने वाले सुन लो, वो तुम्हें भी घूर रहा है।